जुबानी सुनो, जुबानी सुनो, मेरी गला से होवे नेड़े नेड़े लाओ पखिया। चैन की घड़ी है के जिसको नबी का घराना मिला। तुम चौंका ना 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 ताना ना ना रे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सुनैन लोधी, जैसा आप मुझे पहले भी जानते हैं। आज हम एक व्लॉग बना रहे हैं जी। पिछले ईद की पे आपने भी हमारा व्लॉग देखा था छोटी ईद पे, तो इसी तरह हम बड़ी ईद पे भी हमारी एक ईद मिलन पार्टी होती है हर साल की तरह। तकरीबन हम ये 10 साल से हमारी दावतें चल रही हैं कि छोटी ईद पे भी गेट टुगेदर होता है और इसी तरह बड़ी ईद पे भी गेट टुगेदर होता है दोस्तों का, जिसमें छोटी ईद पे होता है ये कि मतलब हमने एक कुछ SOPs बनाए हुए हैं अपनी दावतों के कि हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो बड़ी ईद पे हमारे SOPs कुछ इस तरह से होते हैं कि हर मतलब पर पर्सन अपनी कुछ जितनी उसकी इस्तेदात है वो गोश्त देता है और जो मतलब ऊपर के एक्सपेंस हैं उसको अपने पे करता है। एक जगह जो मुतय्यन होती है कि वहाँ पे हमने बैठ के अपने मतलब गेट टुगेदर करना है, तो सब दोस्त वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो अब मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ, तमाम दोस्त वहाँ पे तकरीबन पहुँच चुके हैं, तो चल के आपको लोगों से इंशाल्लाह पूरा व्लॉग आपका बनाते हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या हमारे गेट टुगेदर में लोगों का दोस्तों का शुगल मेला क्या होता है जी। अस्सलाम वालेकुम, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मेरे साथ राहुल हसन इकबाल साहब हैं, तो हम इकट्ठे ही आए हैं। ये कोर्ट जमान शाह देवा सिख है, मतलब हवेली से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर हर साल इंतज़ाम होता है, तो अब राहुल साहब मेरे साथ हैं, तो पहले भी आप इन्हें जानते ही हैं, महल में पहले व्लॉग में भी ये हमारे साथ थे। माशाल्लाह द ग्रेट किलर हैं ये, बहुत अच्छे। चलें आप चलते हैं, आपको वहाँ पे पीछे दोस्त में है तकरीबन सारे मौजूद हैं, वहाँ पे आपको चल के उनसे तारुफ करवाते हैं। जी ये सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, इधर बैठा है। अच्छा सर, जनाब खान साहब ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जी। ये माशाल्लाह UNZ कंपनी के मैनेजमेंट में है, आप बताएं थोड़ा सा हमें क्या कर रहे हैं आप, बताएं ना हमें। नहीं ये बताए मियां तनवीर साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह, ये द ग्रेट किलर्स हो गया। सामा खालोदी साहब हैं, ये मैनेजमेंट में हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे हमें आज क्या मेन्यू है। बड़ा अच्छा बनाया जी, इसी मेन्यू के बारे में बता देना थोड़ा सा। वो सारे ने रहन दे, नहीं नहीं बता दे, कुछ नहीं बता देगा, शानी दस दे, चंद दस दे, मेन्यू सा दस दे ना सिर्फ थोड़ा सा, क्या है मेन्यू? कह दे यार, मटन पक्के आया है, बकरे की शक्ल वाला भी बैठा है वहाँ पे, मटन पकाया जी सी, मकर की मटन है तान दस रहा मैं रहने दे। सारे दोस्त रोटी के इंतजार में बैठे हैं कि कब रोटी खुलेगी, और अपनी अपनी जगह डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने कहाँ पे बैठना है ताकि मेरे साथ कोई किलर ना बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे किलर्स का बड़ा डर है कि कौन सा किलर किसके साथ बैठता है तो वो भूखा रह जाएगा। ये चीज़ भी देखनी पड़ती है, ये खाने के असूलों में से असूल है कि टेबल पर वहाँ पर बैठे हैं जहाँ पर कोई बड़ा किलर ना हो। मेरी नज़र में जो आज का लाड़े हैं ना, जो वो मियां तनवीर अहमद हैं और जो अभी राव हसन साहब है, लेकिन अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ, तो मुकाबला शुरू होने के बाद पता चलेगा कि आज का लाड़ा कौन होता है, तो सेहरा किसके सर पे बंधेगा। सलाद की आमद आमद है और किलर्स थोड़े से एक्टिव हुए हैं सलाद को देखकर। कोई हद है उनके
जवानो कुछ नहीं होता खानी तो है माशाल्लाह किलर जी। राव साहब आज का तजिया दें, खाना कैसा था, क्या आपने आज खाया? खाना बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट। क्या मिसमैनेजमेंट में क्या हुआ? रायता नहीं। आपका पेट भर गया है? पेट भर गया काफी के हेल्दी है माशाल्लाह, घर से भी खा कर इसीलिए आपका माशाल्लाह। फिर तो थोड़ा खाया होगा आपने, गोश्त भी कम दिया आपने, गोश्त कम दिया जानवर थे जिनको देखे आगे कच्चा। ये तो ज्यादा है आपकी तरफ जी। मियां तनवीर साहब आप बताएं आपने क्या एक्सपीरियंस है आपका आज का? अच्छा खाना था, इंतजामिया पर हमें कोई शिकवा नहीं है, मिस्टेक होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मिस्टेक कोई भी काम मिस्टेक हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, ज्यादा खाना अच्छा था। चले जी साद खान साहब, अच्छा खाना था, बहुत अच्छा था। बस तो पराठा मिला था आपको? पराठा नहीं मिला हमें। तो फिर क्या खाना अच्छा था, थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, बाकी ओवरऑल सारा गुड था। चले गुड जी। मिस्टर निशान अनीस साहब, आपने तो क्या बताया कंपनी से जो तवक्को की जा सकती थी वो 5-4 पे आ गई है, बढ़ चढ़ के उन्होंने। लेकिन जो रिव्यूज आ रहे हैं वो 2 स्टार के हो गए हैं। रिव्यूज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, 2 स्टार आ रहे हैं। लोगों के मुंह के अंदर अल्फाज ठोंके जा रहे हैं कुछ अनासर की वजह से। कौन से जा रहे ठोंके जा रहे ठोक रहे हैं ये ठोक रहे हैं। जी बताएं, अच्छा था, माहौल थोड़ा खराब था। माहौल आज गर्मा गर्मी थोड़ी काफी हो गई, गर्मा गर्मी गर्मी पहले भी काफी है, माहौल भी। जी नौफल साहब माशाल्लाह चेहरा आपका लाल हुआ पड़ा है। थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप जी बताएं? खाना बहुत अच्छा था लेकिन कंपनी का एटीट्यूड थोड़ा खराब था, एग्रेसिव था, एग्रेसिव था और कंपनी में एथिक्स की कमी थोड़ी सी नजर आई। कंपनी को में प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है कंपनी। लेकिन पिछला खाना तो उनका काफी अच्छा था, पिछला बहुत अच्छा गया था, पिछली पार्टी बड़ी अच्छी थी और बड़ी अच्छी तरह से मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी उसमें, चाहे खाने की मकदार कम थी लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छी। चले आप थोड़ा ठंडा हो, आपसे हमने गाने भी सुनने हैं अभी। जी जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम, असलन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है, ठंडी चमक रही है। नाइस हेयर कट। जी असलन भाई खाना बहुत मजेदार था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारा मैनेज हुआ, बहुत अच्छे तरीके से खाया और सब कुछ बेहतरीन था। ओ भैया उठ गया लगता है, वीडियो च नहीं आना चाहता। जी जी सबसे अच्छी चीज तो पिछले साल की तरह जो है ना यहाँ का वेन्यू है, मोहसिन शाह ने बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ है और कंपनी ने इस दफ़ा लाइटिंग इंप्रूव की है। लास्ट टाइम लाइटिंग हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी तो लाइटिंग कहेंगे कि ARY वाली थी। बिल्कुल। और बाकी खाना अच्छा बना हुआ था, क्वांटिटी भी अच्छी थी, थोड़ा बहुत कोई चीज़ें रहते हैं वगैरह की मिसमैनेजमेंट हुई है, मेरा ख्याल है कि वो हाईलाइट हो गई है, नेक्स्ट टाइम ये इम्प्रूव कर लेंगे, ओवरऑल इट्स ओके। चलें चलें शुक्रिया। ये शख्स थी मैनेजमेंट में शामिल था, खूनखार दरिंदा है माशाल्लाह, इसकी इसके दिहाड़ी अच्छी लगा ली है इस बंदे ने, काफ़ी अच्छी मतलब लाहौर से ले बिजनेसमैन है, दिहाड़ी का इसका माइंड है, दिहाड़ी अच्छी लगा देता है माशाल्लाह। इस दफ़ा मैनेजमेंट में इन्होंने काफ़ी अच्छी दिहाड़ी लगाई है। जी राव साहब आपने रेटिंग बतानी है आउट ऑफ 5 में से, क्या आप कितने स्टार देते हैं खाने की या मैनेजमेंट सारी ओवरऑल? 5 देंगे जी हम, 5 स्टार। 4 4 4 जी 3.5। जी निशान साहब जी 5 out of 5 हमारे बस में हो तो हम तो आपको 6 स्टार जी 4 out of 5 जी बट साहब 4 4.5 देखना हूँ जब तू चला जावेंगे दुनिया तो टूरनामेंट
ये बासा चिश्ती साहब बैठे हैं माशाल्लाह, आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं, उनका बड़ा गुस्सा निकाल रहे हैं पे। और निशान अनीर साहब बैठे हैं माशाल्लाह, हमारे सिंगिंग बड़े शैतान के तौर पे सिंगिंग कंपटीशन में शामिल हुए हैं। राव साहब मोबाइल में बिजी है, बड़े डिसहार्ट होके बैठे हैं, बड़े भाई हैं जी हमारे, उम्र में छोटे हैं वैसे बड़े हैं माशाल्लाह, जिससे भी तो बहुत बड़े हैं। खाने में ये भाई आ गए, इनका ऑपरेशन है जी, ये दो तीन दिन बाद इन्होंने खाया आज वो भाई मंडे के खाया, कोई टेंशन नहीं है, परेशानी है ही नहीं। ऑपरेशन किस चीज़ का? हर्निया का जी। आपको तो परहेज करना चाहिए जी। राव साहब क्या कह रहे थे आप? कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, किंगरी गला से हवे ते नेड़े नेड़े लाओ पखियां से मिलने दिया से हवे वादार क्या पखियों ही पन लई ते मन नीते ताए काई नी गल बैक ते सुन लई कर अटोल वफादार कोई खो के दी पटियां नी ते मार ते पुछ नी सट्टा कितने आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है मेरे दिल ले ले तो फला ले उधर ना जिसको नबी का घराना मिला, नूरे खुदा से मुनव्वर ठिकाना मिला, मौला ने मौला कहा बाबा जी। ये तो 10,000 रुपया दे दे भाई।